हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन से अभी तक 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और नुकसान का आकलन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बारिश से 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएम ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश की आपदा की स्थिति को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से चर्चा की है।